आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, स्थिति सदिश ए तथा सदिश बी वाले दो बिंदु ए व बी को मिलाने वाले रेखाखंड का बाह्य रूप से 1:4 में विभाजित करने वाले बिंदु के स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, जहां सदिश ए बराबर 2i(3j)-4k एवं सदिश बी बराबर -i(j)-k है। यदि हम यहां ये एक रेखाखंड लें ए बी, ए यहां मान लेते हैं, बी यहां मान लेते हैं। अब हम इस पर एक बिंदु लेंगे जो कि इस ए बी रेखाखंड को बाह्य रूप से 1:4 में विभाजित करता हो, तो वो हम यहाँ मान लेते हैं बिंदु सी। इससे हमारे पास ए सी 1:1 बन जाएगा और बी सी का 4:4 बन जाएगा। ये पूरा हमारे पास 4 मान लेते हैं और इसे ए मान लेते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास बिंदु ए बी सी को किस अनुपात में विभाजित करेगा? अंतः रूप से यहाँ हमारा अनुपात 1:3 बन जाएगा, जिसमें सी बी एक रेखाखंड है और ए बिंदु उसे विभाजित करता है। तो अब यदि हम यहाँ पर सदिश बी, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है, यहाँ पर सदिश ए मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं सदिश सी, जो कि हमें ज्ञात करना है। अब यदि हम इस प्रश्न में विभाजन सूत्र का प्रयोग करें तो क्या आ जाएगा? सदिश ए बराबर 3 सदिश सी जमा 1 सदिश बी बटे में 4, 1 जमा 3 4। अब यदि हम यहाँ सदिश ए और सदिश बी का मान रखें और सदिश सी का मान यहाँ से ज्ञात करें, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे? सदिश सी बराबर 4 सदिश ए घटा सदिश बी बटे में 3। अब इसमें हम सदिश ए और बी का जो मान हमें यहाँ दिया गया है उसे रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? 8i(j)-16k(-i)(j)-k(-3) और बटे में 3। यदि हम इसे हल करें तो क्या आ जाता है? 9i(11j)-15k(-3) है, तो उसे हम यदि सब के साथ लिखें तो क्या आ जाएगा? 3i(11j)-5k(-3). ये आ जाता है हमारे पास उस बिंदु का स्थिति सदिश जो हमसे पूछा गया था, मतलब ये है हमारा उत्तर 3i(11j)-5k(-3). कक्षा छठी से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।